ये काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर के बस की बात है ही नहीं। We have to get this stop. इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। करेगा कॉल टाइगर। भरोसा भी है, हिम्मत भी और ताकत। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश विश्वकर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। टाइगर अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां उसे पठान ने बुलाया है। वो जगह काफी शेडी और ईरान के एक ऐसे इलाके में है जहां ज्यादातर कोई नहीं है, और रात का अंधेरा इस नज़ारे को और भी सस्पेंसफुल बना रहा था। टाइगर और उसके साथी वहां जा ही रहे थे कि उन्हें पीछे से किसी की हलचल की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन सभी चौंकने हो जाते हैं और दीवार के पीछे छुपकर अपनी गन निकाल लेते हैं कि तभी वहां कोई टाइगर के पीछे से हाथ आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। एक सेकंड के लिए तो टाइगर हड़बड़ा जाता है, लेकिन जैसे ही वो बोलता है हेलो ब्रदर, तब टाइगर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो कोई और नहीं बल्कि पठान ही होता है, जो फुल ऑन किलर अवतार में खड़ा होता है, जिसे देख टाइगर बोलता है फिट एंड फाइन एंड रेडी टू किल ब्रदर। ये सुन पठान बोलता है ओके देन लेट्स द गेम बिगिंस, और उसके बाद पठान उन्हें एक बंद गैरेज के अंदर ले जाता है जहां बहुत सारी पुरानी गाड़ियां पड़ी हुई होती है। और वहां पहुंचते ही टाइगर सबसे पहले उससे पूछता है एक बात समझ नहीं आई कि तुम्हें कैसे पता चला कि रहमान यहां और मैं उसके पीछे। ये सुन पठान मुस्कुराते हुए बोलता है दरअसल मैं यहां किसी और मकसद से आया था, लेकिन मुझे मेरे एक सोर्स से पता चला कि इंडिया का मोस्ट वांटेड चोरी छुपे ईरान में आया, इसलिए मैंने उस पर हमला किया लेकिन वो बच गया, लेकिन मैं उस पर नजर रखे हुए था। तब मैंने जोया यानी मेरी भाभी को यहां देखा, तब समझ में आ गया कि अगर जोया यहां है तो टाइगर भी यहीं होगा। ये सुन टाइगर थोड़ा चौंक जाता है और बोलता है लेकिन आपको कैसे पता मेरे और जोया के बारे में। तब पठान कहता है एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के बारे में सब जानता है। टाइगर यह सुन मुस्कुराता है और पठान आगे बोलता है एनीवेज बातों का वक्त नहीं है क्योंकि जोया खतरे में है। ये बातें चल रही होती है कि टाइगर को एक अननोन नंबर से फोन आता है, और जब टाइगर वो फोन उठाता है तो सामने से जोया का डरा हुआ आवाज सुनाई देता है। टाइगर जिसे सुन टाइगर चौंक जाता है और बोलता है जोया जोया कहाँ हो तुम ठीक तो हो। ये सुन जोया बोलती है टाइगर वक्त नहीं है मेरे पास, मैं मुसीबत में हूँ, मुझे तुमसे मिलना है, मैं मैसेज कर रही हूँ उस जगह पर पहुँच जाना। सुनो हमारा जूनियर टाइगर उस रहमान के पास है, जल्दी आना और हो सके तो अकेले आना। इससे पहले कि टाइगर कुछ बोल पाता फोन कट हो जाता है और तुरंत ही एक लोकेशन का मैसेज आ जाता है जिसे सब देखते हैं। और तब पठान बोलता है ये सुन टाइगर बोलता है वो तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि मेरा परिवार खतरे में है और ये टाइगर उस लायन को छोड़ेगा नहीं। तो क्या होगा अब आगे, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो का यहीं पे करते हैं अंत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।